यार ये मिनिस्टर्स लोग कितना सारा पैसा कमाते होंगे ना। सही है इनका। लेकिन इनकी तनख्वाह कितनी होगी? आखिर ये पॉलिटिशियंस कितना कमाते होंगे? ये सवाल तो बहुत बार मन में आया है लेकिन कभी जवाब ही नहीं जान पाई। लेकिन अब पता चल गया है, इसलिए आपको बताने के लिए लौट आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो ये मोदी की तनख्वाह कितनी होगी? अरविंद केजरीवाल महीने का कितना कमा लेता होगा? सरकार इन पॉलिटिशियंस पर कितना पैसा खर्च करती है उनकी तनख्वाह में, और इससे आपकी और मेरी यानी आम आदमी की जेब पर कैसे असर पड़ेगा? टैक्स तो हम भी देते हैं ना। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इससे हमारी काफी मदद होती है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हाल ही में यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस भी हुए हैं। अब सरकार तो बन गई है, मिनिस्टर्स की लिस्ट भी जारी हो गई है। तो चलिए जान लेते हैं कि इन मिनिस्टर्स की सैलरी कितनी होती है। शुरू करते हैं एक ऐसे इंसान से जिससे आप रूबरू शायद काफी बार हुए होंगे, और वो आपके एरिया या फिर मैं स्पेसिफिकली बोलूं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जाने जाते हैं, यानी कि MLA या फिर विधायक। एक विधायक की तनख्वाह कितनी होती है? कितना पैसा कमा लेते हैं वो लोग? ए, तो विधायक को बताएगा। रिसेंटली एक MLA की सैलरी में काफी उतार और चढ़ाव देखने को मिले हैं, इसीलिए MLA की पोस्ट और उनकी सैलरी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एक MLA की सैलरी पर मंथ यानी बेसिक सैलरी जो होती है वो होती है 30,000 रुपए। अरे रुकिए, इसके ऊपर भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं उन्हें, जैसे कि उन्हें मिलता है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो स्पेशली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी उस एरिया को रन करने के लिए सरकार MLA को देती है, और वो मिलता है उन्हें कुछ अराउंड 25,000 का। फिर आता है सेक्रेटेरियल असिस्टेंस, यानी कि सिर्फ MLA से तो काम होगा नहीं, उनके लिए उनको सेक्रेटरी भी चाहिए होंगे, तो उन सेक्रेटरी का सारा खर्चा भी सरकार ही उठाती है। फिर उसके बाद उन्हें मिलता है कन्वेंस अलाउंस, टेलीफोन फैसिलिटीज, और ये सब कुछ मिला के उन्हें अराउंड कुछ 90 से 1 लाख रुपए तक के बीच में पड़ जाता है। अरे रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके ऊपर से उन्हें मिलता है डेली अलाउंस, वन टाइम अलाउंस, कन्वेंस एडवांस, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन, फैमिली पेंशन, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी भी। ट्रैवलिंग फैसिलिटीज को कैसे भूल सकते हैं, पैदल थोड़ी ना चलते हैं वो, गाड़ियों में चलते हैं। तो इन सारे खर्चों में बनता है एक MLA। फिर आती है भारी MP की यानी सांसद, जिन्हें मिलता है महीने का बेसिक सैलरी एज 1 लाख रुपए, और इसके ऊपर से इन्हें वो सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो एक MLA को मिलते हैं, जैसे टेलीफोन अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल फीस, पेंशन, फैमिली पेंशन, ट्रैवल अलाउंस, ये सब कुछ उन्हें मिलता है। यहाँ जानने वाली बात ये है कि एक MP का जो पे स्केल होता है वो हर 5 साल में रिवाइज भी होता है। काफी अमीरी है अपने देश में, है ना? आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? वैसे अमीर से याद आया, अगर आप भी अमीर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है फ्रीडम ऐप, जहां पर आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, इसके ऊपर आपको 1,000 से ऊपर कोर्सेज मिल जाएंगे इस ऐप पर। आपको सिर्फ डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपनी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जाकर इस ऐप को और उन कोर्सेज को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक्सपर्ट नॉलेज भी मिलती है। तो जल्दी डाउनलोड कर लो। चलिए वीडियो पर लौटते हैं और अब बात करते हैं CM यानी चीफ मिनिस्टर्स की। पता है एक CM की तनख्वाह कितनी होती है? अभी बताती हूँ। चीफ मिनिस्टर स्टेट पॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के टॉप लीडर्स माने जाते हैं। 2023 के डेटा के हिसाब से इनकी तनख्वाह 1,25,000 से लेकर 4 लाख के बीच में तय हुई है, और इसमें मैंने एडिशनल पर्क्स इंक्लूड नहीं किए हैं, जैसे कि हाउसिंग, ट्रैवल, टेलीफोन, मेडिकल, ये सब कुछ इन्हें भी मिलता है। और ये सारे अलाउंसेस स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकते हैं, यानी किसी स्टेट में कुछ और हो सकता है और वहीं दूसरे स्टेट में ये अलाउंस कम या ज्यादा हो सकते हैं। वैसे एक CM की सैलरी काफी डिबेट में भी रहती है, क्योंकि उनकी प्रोफाइल को देखते हुए और उनके वर्क ऑफ नेचर को देखते हुए ये काफी डिपेंड करता है कि किस CM की सैलरी कितनी होनी चाहिए। अब मैं आपको एक पूरी लिस्ट बताने वाली हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर वो कौन सा CM है जो सबसे ज्यादा सैलरी लेता है और वो कौन सा CM है जो सबसे कम लेता है। तो लिस्ट को ध्यान से सुनना। सबसे कम सैलरी लेने वाला CM जो होता है वो होता है त्रिपुरा स्टेट का, जो लेता है 1,05,000 की तनख्वाह। फिर आती है नागालैंड की बारी, 1,10,000 की। मणिपुर भी सेम ही है, 1,10,000 रुपए। आसाम लेता है 1,25,000 रुपए की तनख्वाह। अरुणाचल प्रदेश का CM लेता है 1,33,000 की तनख्वाह। मेघालय का 1,50,000। ओडिशा 1,60,000। उत्तराखंड 1,75,000। राजस्थान भी 1,75,000। केरला 1,85,000। सिक्किम आती है 1,90,000 पर। कर्नाटका का CM लेता है पूरे 2 लाख रुपए। वहीं तमिलनाडु का CM लेता है 2,05,000 रुपए। वेस्ट बंगाल की बात करूं तो उसका CM लेता है 2,10,000 रुपए। बिहार 2,15,000 रुपए लेता है CM। गोवा का CM लेता है 2,20,000 रुपए। पंजाब का CM लेता है 2,30,000 रुपए। छत्तीसगढ़ का CM भी 2,30,000 पर ही टिका है।
मध्य प्रदेश का सीएम लेता है 2,55,000 रुपए, झारखंड का सीएम लेता है 2,72,000 रुपए, हरियाणा के सीएम की बात करूं तो वो लेता है 2,88,000 रुपए, हिमाचल प्रदेश का सीएम लेता है पूरे 3,10,000 रुपए, गुजरात का सीएम लेता है 3,21,000 रुपए, आंध्र प्रदेश का सीएम लेता है 3,35,000 रुपए, महाराष्ट्र का सीएम लेता है 3,40,000 रुपए। और जानते हैं टॉप 3 में कौन सी स्टेट्स आती हैं? उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश का सीएम लेता है 3,65,000 रुपए, दिल्ली का सीएम लेता है 3,90,000 रुपए। अब चलिए गेस करिए कि तेलंगाना का सीएम कितने लेता होगा, तो वो लेता है पूरे 4,10,000 रुपए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप में से ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी तनख्वाह इन सीएम से ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं गवर्नर की सैलरी की। गवर्नर का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना एक देश में प्रेसिडेंट का, बस गवर्नर का रोल सेम होता है स्टेट में। एक गवर्नर की पर मंथ की जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 3,50,000 रुपए, और इसके ऊपर से उन्हें मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे रहने को एक घर मिलता है, एक गाड़ी मिलती है जिसमें ड्राइवर होता है, पर्सनल सिक्योरिटी मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए एक पर्सनल स्टाफ भी दिया जाता है, मेडिकल अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस, ये तो आप समझ ही चुके हैं कि ये तो सभी को मिलते हैं। गवर्नर के पास पेंशन और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी काफी होते हैं। एक गवर्नर रिटायरमेंट के बाद उतनी ही पेंशन लेता है जितनी उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है। अब बारी आ चुकी है नरेंद्र मोदी की, जो देश में तीसरी बारी प्रधानमंत्री की पोस्ट पर चुने गए हैं। उनकी सैलरी कितनी होती होगी? तो एक प्रधानमंत्री की तनख्वाह 1,60,000 रुपए से लेकर 2,50,000 रुपए तक के बीच में हो सकती है, जिसमें उनका बेसिक पे 50,000 रुपए होता है, उनका एक्सपेंस अलाउंस 3,000 रुपए होता है, पार्लियामेंट्री अलाउंस 45,000 रुपए होता है, और डेली अलाउंस उन्हें 2,000 रुपए मिलता है पर डे का। और रिटायरमेंट के बाद एक प्रधानमंत्री को मिलता है रहने के लिए एक फ्री घर, बिजली और पानी, और साथ ही साथ सिक्योरिटी पूरे 5 साल के लिए। अब आती है बारी उस इंसान की जो देश में सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होल्ड करते हैं। मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे, जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। इनका मेन रोल राज्यसभा में होता है एज अ चेयरमैन, और अगर किसी देश में प्रेसिडेंट की एब्सेंस हो जाए तो वहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट का रोल काफी अहम होता है। अब एक वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी होती है 4,00,000 रुपए महीना। इस सैलरी के ऊपर उन्हें चेयरमैन होने के लिए भी स्पेशल अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो कि अराउंड 40,00,000 के बीच में होते हैं। और फिर वही डेली अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सारी फैसिलिटीज, ड्राइवर, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है। और क्या आपको मालूम है इन सारी फैसिलिटीज के साथ साथ एक मिनिस्टर के पास ट्रैवल फैसिलिटीज इतनी सारी होती हैं कि वो अपना आईडी कार्ड दिखाकर किसी भी ट्रेन में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति की बारी आ चुकी है, देश के राष्ट्रपति की बारी, प्रेसिडेंट। इनकी तनख्वाह के बारे में आपको क्या लगता है, कितनी होगी? प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ का रोल भी प्ले करते हैं फॉर ऑल दी डिफेंस फोर्सेस। और राष्ट्रपति भवन के बारे में तो आपने सुना होगा, यही उनका घर होता है। और क्या आपको मालूम है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस है। प्रेसिडेंट सारे मिनिस्टर से ऊपर होते हैं तो उनकी तनख्वाह भी ऊपर होगी, तो इन्हें मिलते हैं महीने के 5,00,000 रुपए की तनख्वाह, यानी साल के 60,00,000 रुपए। और खास बात यह है कि प्रेसिडेंट टैक्सेस भी नहीं भरते हैं, और उनके ऊपर से अलग से उन्हें अलाउंसेस भी मिलते हैं। क्या ये सही है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि क्या प्रेसिडेंट को भी टैक्स भरना चाहिए। एडिशनल पर्क्स में उन्हें मिला हुआ है पूरे 340 कमरों का राष्ट्रपति भवन, फ्री ट्रैवल बाय ट्रेन, प्लेन, पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं फ्री में, फ्री का घर, फ्री की मेडिकल सर्विसेज भी, और 1,00,000 का एनुअल ऑफिस एक्सपेंस भी मिलता है। रिटायरमेंट के बाद एक प्रेसिडेंट को मिलते हैं 1,50,000 रुपए प्रति महीना एज अ पेंशन, एक शानदार बंगलो भी मिलता है, 2 फ्री लैंडलाइन भी मिलते हैं, मोबाइल फोन भी फ्री में मिलता है, 5 लोगों का पर्सनल स्टाफ भी मिलता है, और साथ ही मिलता है फ्री ट्रैवल बाय एयर एंड ट्रेन। अरे फॉर्मर प्रेसिडेंट को भी यही मिलता है। तो कैसा लगा आपको जानकर कि किस मिनिस्टर को कितनी तनख्वाह मिलती है? था ना इंटरेस्टिंग? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। अगर फिर भी आप में से कोई चाहता है कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो आपके सामने पेश करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मैं मानसी मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में।